बना रहे साथ में वीडियो क्यों YouTube पे डालने सर वो आदमी आपसे जानते हैं कहीं लाया कहीं तुम गाय भैंस लाया कहीं फिर खरीदना आया कहीं भैंस आपकी क्या वजह क्या इसकी डिटेल पचास हजार रुपये में देनी है नहीं ग्यारह ना अभी अच्छा कब तक जानेगी दस एक दिन ले लेगी अच्छा तो और भी गाय भैंसे रखते हो क्या आपकी एक ही है रखते हो कितनी दो गाय है वो भी सेल के लिए क्या घर के लिए ही है किसान ही हो मतलब व्यापारी तो नहीं हो मोबाइल नंबर क्या आपका 9 7 5 4 5 4 9 8 3 3 2 2 1 है ना अच्छा कितने में देनी है इसको फाइनल 46,000 रुपये में दे दोगे कोई किसान भाई को खरीदना हो तो भैया से खरीद सकते हैं देसी नस्ल की भैंस है कितना दूध दिया इसने पहले 4.5 लीटर दूध दिया है तो इनसे भैया से संपर्क करके और अगर किसी को खरीदना हो तो इनके घर से भी खरीद सकता हूँ मैंने मोबाइल नंबर शेयर कर दिया आप सभी किसान भाइयों को और आगे चलते हैं कुछ ना कुछ अगर अच्छी पशु दिखाई देता है तो उसको भी हम कवरेज करेंगे इधर तो खन्ना पर्ची बनवाना अनिवार्य है पर्ची की डिटेल जरा हम देखते हैं कोशिश कितने की लगती है भैया पर्ची यहाँ पे ये अपना चैनल है यूट्यूब पे पंखीजा डेयरी फार्म के नाम से तो उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो खाली अपने किसान भाइयों को खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ कि कितने की पर्ची यहाँ पे पचोर की बंडी हाँ एक रुपये 10,100 अच्छा तो देख सकते हैं आप जो भी किसान भाई को अगर परचेस करनी हो यहाँ से तो ये पशु मंडी पचोर की यहाँ पर से पशु खरीद सकते हैं और पर्ची कटवाने के लिए यहीं पर कॉर्नर पे पर्ची कट सकती है जो इन्होंने डिटेल बताई है वो 10,100 रुपये इनकी पर्ची का रेट है तो इतनी सारे भैंसे और गाय हैं कि एक एक को तो कवर करना नामुमकिन है लेकिन हमने हमारी पूरी कोशिश करते हुए और आप सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा पशु आपको बताए हमने और कुछ किसान भाइयों की अगर और देख लेते हैं जाते वक्त कि कहीं अच्छे कोई पशु दिखाई देते हैं तो आपसे उसकी डिटेल आपको उनकी डिटेल शेयर करेंगे इधर ये यहाँ पर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई लाइन से और बिक गई क्या भैया तो देख सकते हैं आप ये स्थिति है अभी ये गाय जो बिकी आपके सामने लात उठा रही है तो पशु बाजार है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हम पहले ही नोट में डाल देते हैं कि वीडियो से हमारे कोई वास्ता नहीं है और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी किसान भाइयों तक बस खाली अच्छे से अच्छे वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें बाकी लेन देन करना सब आपके हाथ में और कोशिश करें अनुभवी व्यक्तियों के साथ लेकर आएं तो कुछ एक आधी भैंस बिक गई क्या भाई साहब देख सकते हैं आप एक ये देसी नस्ल की जो कि भैंस काफ़ी शानदार ऑर्डर की है अभी थोड़ी सी खींचोगा क्या लंबी जनी हुई है नहीं कई है क्या नीचे पाड़ी पाड़ी है
दूध कितना लगाई रही? चार से ज्यादा तो साढ़े चार, साढ़े चार लीटर। कीमत क्या रखी इसकी? साठ हजार रुपए फाइनल देने की कीमत। मैं तो चैनल पे डालता हूँ, कोई कस्टमर को खरीदना होगा तो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लेगा आपके नंबर पे। तो कितने में दे देंगे फाइनल इसको अपन? 40 के आसपास दे देंगे? 45 नहीं, 50, 53-54 के आसपास दे देंगे। देख सकते हैं आप, ये 4.5 लीटर के आसपास दूध। नीचे कितने दिन की जनी हुई है? ये एक महीने हो गया है ना। मोबाइल नंबर क्या आपका? मोबाइल है नंबर 97-520-63-417। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना, नाम क्या आपका? शिव प्रसाद सोनी जी से खरीद सकता है इस भैंस को। दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर ये यहाँ बिकती है तो ठीक, नहीं तो इनके घर पे जाके और दूध निकाल के भी आप इनकी भैंस खरीद सकते हैं। गांव कौन सा? अमानपुरा परोनिया के पास। ठीक है, परोनिया के पास। तो ये एक टोकली जर्सी में गाय, इसकी भी हम आप किसान भाइयों को डिटेल लेके बताते हैं। क्या जनी हुई क्या बन है? क्या नीचे इसके? एक महीने का केड़ा है। कितनी कीमत इसकी? 15-1 हजार रुपये में हो जाएगी? 15-16 हजार रुपये तक हो जाएगी ना। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो 15-16 हजार रुपये। गाय दूध उध कितना लग रही है? अच्छा, पेलात में ही है, 7.5-8 लीटर के आसपास दूध बता रहे भैया, और पेलात में है। मोबाइल नंबर क्या आपका? 786-99-88-239-239-239-239। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो भैया से संपर्क करके इनके मोबाइल नंबर पर, और खरीद सकता है इनके घर से भी। कहाँ इसका बछड़ा बछड़ी कहाँ है? केड़ा मर गया। अच्छा, तो तोड़ है मतलब, तो देख सकते हैं तोड़ गाय है। और देख सकते हैं आप, यहाँ से व्यू दिखाऊंगा आपको मैं सभी किसान भाइयों को। और आगे चलते हैं अपन, ताकि कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिले अपने को। इधर लगभग सभी किसानों की गायें रहती है, गाय भैंसें रहती है। क्या जनी हुई भैया क्या बन है? जनी हुई की क्या बन है? जनी हुई। क्या नीचे इसके? बच्चा खत्म हो गया, तोड़ है। कितनी कीमत कितनी कर रहे हो? 25,000 रुपये। और देने की फाइनल कीमत? 15 के आसपास हो जाएगी? 20 के आसपास, 19-20 हजार के आसपास हो जाएगी। तो जिस भी किसान भाई को तोड़ गाय खरीदना, दूध कितना दे रही है? 4-4 लीटर। अच्छा, कहाँ गाँव कौन सा आपका? मोतीपुरा। नंबर बोलो आपका। 62-16-11। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना तो भैया के घर पे से गाय खरीद सकता है, अगर अच्छी लगे तो। तोड़ गाय के कोई खरीदार हो तो। कितने दिन की जनी हुई वैसे? 3 महीने की है। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो वो इनसे भैया से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। हाँ, थोड़ी सी बंद बाहर करना। एक ही का ही कीमत करी है भाई साहब? कीमत का ही करी है कि 35,000 रुपये ग्याबन है क्या अभी? अच्छा, तो देख सकते हैं आप, ये ग्याबन गाय 35,000 रुपये कीमत कर रहे हैं भाई साहब। और अपना कनकी की खरीदी है? अच्छा, पहला कितना दूध लगाया इन्हें? दूध कितना लगाया इसने पहले? 6। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो भैया से इनसे संपर्क कर सकते हैं, कोशिश करते हैं इनका मोबाइल लेने। मोबाइल है आपके पास? गाँव कहाँ को आपको? सुस्तैनी। कहाँ गया ये? अच्छा, पचोर से 2-1 कोस दूरी है। इनके पास मोबाइल नहीं है। जिस भी किसान भाई को अगर खरीदना हो तो इनके गांव में जाके इनसे संपर्क कर सकता है। अच्छी गाय है। 30,000 रुपये में हो जाएगी? 30,000 रुपये में दे देंगे गाय। तो इधर देख सकते हैं, इधर भी ये रोड, एक इधर भी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। ठिया नहीं दिखाई दे रहा कि ये गाड़ियां खाली कहाँ होती है। तो
देख सकते हैं आप, ये है पचोर की मंडी का पूरा व्यू। और हमने हमारी पूरी कोशिश करी कि आप सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, और कुछ चीज़ें कुछ अधूरी अगर रह जाती है या आप